मैंने रूम से चेकआउट कर लिया और कल मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इस वजह से मैंने ज़्यादा ब्लॉग नहीं बनाया, तो बस अभी निकल रहे हैं। अभी भी तबीयत ख़राब है, ये शॉल ली हुई है, जैकेट पहना हुआ, बस आगे निकलते हैं, मेडिसिन वगैरह खा ली थी। निकलते निकलते लेट हो गई है, तकरीबन 11 हो रहा है, 11 बजे भी मौसम देखें आप, ये आगे हमारा सामान जा रहा है, ये बादल देखें इतने नीचे आए हैं। हम सैफुल मलुक की तरफ जा रहे हैं, ये जिप करवाई है रेंट पे। इस जीप में थे हम, ये देखें सारी इतनी सारी जीप जैसे मक्खियाँ। हम पहुँच गए सैफुल मलुक झील। मेरा हो गया, देखें मुझे फीवर है, क्योंकि मैं आया हूँ और पूरा पैक हुआ हूँ मैं। नीचे पहुँच गए, अभी और नीचे जाना है, ये देखें। ये देखें पहाड़ी बकरी है, ये इसके बाल देखें, इतने बाल हमारे यहाँ सिंध वगैरह में इधर नहीं होते बकरियों में। ये देखें ये देखें एक और बकरी है, बाल देखें इसमें कितना। ये देखें यहाँ चेयर्स बनी हुई बर्फ़ की पिक्चर्स वगैरह के लिए। ये स्लाइडिंग के लिए ऊपर जा रहे हैं। यहाँ से तो पैदल आ गए थे, लेकिन वापस वाला रास्ता बहुत बड़ा, इस वजह से कश्ती में आए। हो गई है, अब बस उतर रहे हैं। उतरो उतरो उतरो, रोड ब्लॉक हो गया, यहाँ पे आगे एक्सीडेंट हुआ है, हमारी गाड़ी ये रुकी हुई है।
इस जीप का एक्सीडेंट हुआ है आगे ये। ये सारा बर्फ है, इधर पानी नीचे जा रहा है और नीचे की बर्फ सारा दिख। नारायण में बारिश स्टार्ट हो गई है, हम वापस नारायण पहुंच गए, अब बस यहाँ से निकलेंगे, बारिश जैसे थोड़ी कम होती है तो। खाना भी खा लिया, नमाज भी पढ़ ली है, अब बस वापस जा रहे हैं गाड़ी की तरफ और बस रवाना होते हैं, अपने वापस सफ़र शुरू करते हैं अपना लोकेशन तक, डेस्टिनेशन तक। रीच्ड बालाकोट, बालाकोट पहुँच गए, अब बस यहाँ मेज़बान होटल में हमने रूम भी ले लिया। ये व्यू है, बाकी का व्यू तो सुबह ही नज़र आएगा। ये रूम मिला है हमें, ये वॉशरूम इसका, ये तो बाहर लगा है वॉश बेसिन वगैरह, छोटा सिस्टम है यहाँ। अब मेरी तबीयत पहले से बेहतर हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अल्लाह हाफिज़।